ओम नमः शिवाय मित्रों, शिव तंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। वैद्य एवं ज्योतिष सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार शास्त्री लोकेश पागल जी, हाँ, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया हूँ आपके सामने आपकी सेवा करने के लिए। भोले भंडारी के कहे हुए तंत्र को आप तक पहुँचाने के लिए शिव तंत्र ज्योतिष यानी जितनी भी तांत्रिक क्रियाएँ हैं, जितना भी तंत्र इस ब्रह्मांड में है, वो त्रिकालदर्शी भोलेनाथ के मुख से निकला हुआ तंत्र है। उसी पर चलता हूँ, उसी के उपाय आपको बताता हूँ। तो आइए, आज एक विलक्षण उपाय लेकर के आपके सामने आया हूँ। जैसे कोई रूठ के कहीं चला जाता है और लौट के नहीं आता, या किसी का प्यार किसी से दूर जाता है वो उसे मिलता नहीं, किसी को वशीकरण करना ये नहीं कि उस पर कब्जा कर लेना, हाँ, अपने इच्छानुसार कार्य करना, किसी के मन को हिप्नोटाइज करना, किसी के मन को मैस्मेरिज्म करना, किसी के माइंड पे अपना काबू करना, ये वशीकरण होता है। और कोई भी वशीकरण ब्रह्मांड में 6 महीने से ज़्यादा कार्य नहीं करता। अगर आपके यहाँ से भी कोई रूठ के चला गया और आ नहीं रहा है, या आपका प्यार आपसे दूर है मिल नहीं रहा है, या आप चाहते हैं किसी को अपना बनाना वो बन नहीं पा रहा है, तो आज से आपका रूठा हुआ आएगा, प्यार आपको मिलेगा और जो नहीं मन रहा है वो भी मन जाएगा। करना क्या है, किसी भी अमावस्या को पीपल के वृक्ष के पास जाइए और वहाँ से 2 पत्ते तोड़ के लाने हैं। पत्ते हरे नहीं होने चाहिए, थोड़े सूखे से होने चाहिए, जो पीले हो जाते हैं और नीचे नहीं गिरे होने चाहिए, वृक्ष पर ही लगे हुए होने चाहिए। अगर पीले नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश तो थोड़ा इंतज़ार करिए। अब 2 पत्ते तोड़ के लाइए, हल्के पीले से कलर के, पीपल से ही तोड़ने हैं, नीचे से नहीं उठाने। अब एक वृक्ष पर यही आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, किसी दूसरे वृक्ष को देखें, तीसरे को देखें तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। ला करके एक पत्ते पर काजल से नाम लिखिए, जैसे अपना बनाना है, कार्य कराना है, वशीकरण करना है, रूठे को मनाना है, XYZ एवब जो भी प्रॉब्लम है। दूसरे पत्ते पर लाल चंदन से लिखिए। अब दोनों पत्तों को ले जा कर के पीपल के पास पहुंच जाइए, जिस पेड़ से लेके आए हैं, बड़े से पत्थर के नीचे उल्टा करके दबा के रख दीजिए दोस्तों। अब 15 दिन तक, पूर्णिमा जब आएगी अमावस्या से, तो आपको शाम के समय डेली जाना है, पत्तों को देखना है किसी ने हटाया तो नहीं, फेंका तो नहीं, उड़े तो नहीं। और एक लोटे से, तांबे का लोटा हो और बेहतरीन रहेगा कि मिट्टी का पात्र हो, उससे पीपल की जड़ में आपको जल देना। देखिए कैसे आता है आपके पास आपका रूठा हुआ, आपका प्यार आपको कैसे मिलता है, पागल हो जाएगा। ड्रीम उसको आप ही के आने लगेंगे, स्वप्न में आप देखेंगे उसे खाते पीते उठते बैठते, और आपकी जो तमन्ना पूरी नहीं हुई वो आज से हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ शिव तंत्र ज्योतिष पर, बस ये देखती रहिए कि आपको फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, कहीं आप किसी के चक्कर में आके धोखा तो नहीं खा रहे, टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे, तो नहीं करें। टाइम बर्बाद किसी के साथ नहीं करें, सिर्फ शिव तंत्र ज्योतिष पर बने रहिए, आपको वही मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरत है और आपको चाहिए। ओम नमः शिवाय।